हेलो फ्रेंड्स, ये हमने ब्रेड ले लिए हैं और आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। और ब्रेड को हमें काट लेना है और बारिश का मौसम है, बारिश में कुछ वैसे भी चटपटा खाने का मन करता है, इसीलिए ब्रेड रखी थी। हमने सोचा चलो आलू बॉईल कर लेते हैं, ब्रेड रोल बनाते हैं। इनको हमने काट लिया है, इसको हटा देंगे और इनको फेंकना नहीं है। ब्रेड स्क्रम इससे बनाएंगे, सारे कॉर्नर्स को ऐसे निकाल देंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है तो बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए निकालना ज़रूरी है। और या फिर इससे बेसन में लपेट के ऐसे स्टिक जैसा बना सकते हैं, वो भी खाने में अच्छा लगता है। देखिए सारे ब्रेड को हमने काट लिया है और इधर चटनी भी हमने टमाटर और मिर्च लहसुन को भून लिया है थोड़ा सा तेल में, और ये मीठी चटनी बनाऊंगी। एक मुट्ठे हमने चीनी डाली है, ये बहुत खाने में अच्छी लगती है। और इधर ये भुना धनिया है और कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए चटनी हमारी बन चुकी है, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया चटनी बनी है, ऐसे चटनी बनाएंगे तो ये मोमोज के साथ या फिर ब्रेड रोल इनके सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और इधर ये हमने आलू बॉईल कर लिया था पहले ही, और आलू को हमेशा ठंडा करके लें ताकि इसका रोल अच्छे से बन जाए। गरम गरम में बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आलू ठंडा करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इसको हमने तोड़ लिया है मोटा मोटा, और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर भुना हुआ और एक चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ, और ये कुटा हुआ लहसुन मिर्च है, इसमें अमचूर पाउडर भी पड़ा है, और दो चुटकी हींग, एक चम्मच कच्चा जीरा, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। ये कसूरी मेथी है, इसको भी हम क्रश करके डाल देंगे। और एक बारीक कटा हुआ प्याज, दो हरे मिर्च, और यहाँ पे आप मटर भी डाल सकते हैं अगर मटर है, या फिर मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं। और ये अमचूर पाउडर है, खटाई घर वाली है ये कुटी हुई, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्वाद अनुसार नमक, और अब इसको हाथों से हम मिक्स करेंगे, और आपकी फीलिंग जितनी अच्छी रहेगी उतने ब्रेड रोल खाने में अच्छा लगेगा। जितना चटपटा रहेगा खाने में उतना ही अच्छा रहेगा। और चलिए इसके हम रोल बना लेते हैं। रोल ब्रेड के हिसाब से ही बनाना है, जितनी बड़ी ब्रेड हो आपकी, ब्रेड आप कोई भी लें। और ये मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हैं, जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। और उधर इंडक्शन पे हमने ऑयल भी रख दिया है, वो भी गर्म हो रहा है। और देखिए इतना सारा हमने बना लिया है रोल, और इधर ब्रेड को पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करने से ये एकदम शेप में आ जाएगा, जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ सकते हैं। और इसको ऐसे एकदम दबा दबा के पानी को निकाल देना है, पानी बिल्कुल ना रहे नहीं तो तेल में पटपटाएगा। और एक ऐसे रोल रखेंगे, दोनों कोनों को ऐसे मिलाएंगे इधर से उधर, ऐसे चारों कोनों को ऐसे मिला देंगे, और ऐसे दबा दबा के इसको रोल कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार होता है, मेहमानों के लिए भी बना के रख सकते हैं। पहले से ही तैयारी कर लीजिए और फटाफट बना दीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। या फिर आपके घर में छोटी मोटी कोई पार्टी है तब भी बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं सबको। और देखिए एक हमने बना दिया है, दूसरा भी दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे पानी हमें निकाल देना दबा दबा के, और इसको अब हम कोने नहीं मिलाऊंगी, ऐसे दोनों को आधा आधा कर देंगे और ऐसे पीछे से दबा देंगे। और ये जब भीग जाता है तो सेफ अपने आप ही ले लेता है, जैसे मोड़ेंगे तो मोड़ जाएगा। और ये भी रोल हमारा बन चुका है, देखिए
और 5 रोल हमने बना लिया है। और इधर ऑयल हमारा गरम है, एक एक करके डाल देंगे जितने आएंगे इसमें। और ये अभी फूलेंगे भी ऑयल में जाने से। 5 रोल हमने डाल दिया है और देखिए कितना झाग आ रहा है इसमें, और अपने आप ही झाग कम हो गया है। और देखिए हल्के ये एक तरफ से ब्राउन भी हो गए हैं, कलर भी गोल्डन इस पर आ गया है। ऐसे हमें उलट पलट के सेक लेना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए दोनों तरफ से कलर अच्छा आ गया है और रोल हमारे पक चुके हैं। देखने से ही अच्छे लग रहे हैं और बारिश का मौसम भी है, बारिश भी खूब हो रही है, झमाझम खाने में और मज़ा आएगा। और अच्छे से कलर आ गया है। अब इनको हम एक स्टैनर पर निकाल लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं और बहुत आसानी से। आप लोग भी बनाइए, लीजिए फ्रेंड्स, चटनी भी और रोल, ब्रेड रोल भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।